सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों के 75 खबरों की। कानपुर हिंसा के फाइनेंसर की प्रॉपर्टी पर चलेगा बुलडोजर। केडीए ने 16 अवैध इमारतों की जांच पूरी की, ध्वस्तीकरण के आदेश जारी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक अपराधी हुआ घायल, पिस्टल और बाइक मौके से बरामद। तकिए से मुंह दबाकर पति की हत्या, दो दिन पहले दिल्ली से आई थी ससुराल, बच्चे को साथ रखने को लेकर हुआ था विवाद, पति ने किया सरेंडर। हाईवे पर हादसे में टैंकर के ड्राइवर की मौत, वाराणसी में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराया, खलासी की हालत गंभीर। सड़क हादसे में महिला की मौत, बहराइच में रोडवेज बस ने बाइक में मारी टक्कर, गंभीर हालत में दो जिला अस्पताल में भर्ती। मुरादाबाद में हाईवे पर दौड़ते ट्रक में लगी भीषण आग, बिहार से मेरठ जा रहा था कोयले से लदा ट्रक, चारों टायरों में लगी आग। पत्नी को पति ने काट डाला, बेटी बोली पापा ने पहले चाकू से मम्मी का गला रेता, फिर फावड़े से दो बार पेट पर किया वार। कावड़ियों के रास्ते से कंकड़ तक बीने जा रहे मुजफ्फरनगर में, 200 सीसीटीवी, 90 ड्रोन कैमरों से की जाएगी निगरानी। महोबा में दो पक्षों में चली लाठी डंडे मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को जिला अस्पताल किया गया रेफर। बदायूं में युवक की पीटने के बाद गला दबाकर हत्या, जमीन की खातिर कत्ल का आरोप, पुलिस ने पंचनामे में दिखाई शराब से मौत। सीएम योगी ने पासिंग आउट परेड के लिए सलामी, लखनऊ पुलिस लाइन में बोले इंटरनल सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है ये जवान। सीतापुर में दामाद ने की थी ससुर की हत्या, 9 जुलाई को सोते समय हुई थी हत्या, ऑटो की किश्त से छुटकारा पाने के लिए हत्या की। ओवैसी की पार्टी में मचा घमासान, प्रयागराज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भेजेंगे सामूहिक इस्तीफा। चित्रकूट में शिक्षक का निर्वस्त्र वस्त्र शव मिला, फतेहपुर का हनुआ गांव के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक था। फतेहपुर में कोर्ट के आदेश पर 3 पर मुकदमा, किन्नर का अपहरण कर लिया, किया था कुकर्म, 4 दिन तक जंगल में बनाया था बंधक। सेफ सिटी के लिए लगाए जाएंगे 142 कैमरे, 76 जगह पर कैमरे लगा चुके हैं, 30 जुलाई तक लगाने के आदेश। बदायूं में पासिंग आउट परेड में एडीजी ने दिलाई शपथ, 200 रिक्रूट का प्रशिक्षण पूरा, अब हुए पीएसी के बड़े बेड़े में शामिल। पुलिस ऑडियो वीडियो से बयान क्यों नहीं लेती, हाईकोर्ट के पुराने ढर्रे से जांच पर जताई नाराजगी। फिरोजाबाद में आधार कार्ड से लिंक होगी मतदाता सूची, 1 अगस्त से चलेगा अभियान, घर घर जाएंगे बीएलओ। विंध्य कॉरिडोर का डीएम ने मांगा हिसाब, धीमी गति पर जताई नाराजगी, धाम में गंदगी पर सफाई के आदेश दिए। सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत, अहमदाबाद में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 3 गंभीर, डिबाई से लौट रहे थे घर। अग्निपथ के विरोध में जनसभा, जयंत ने कसा तंज, बोले 4 प्रधानमंत्री चुने जाए इसमें से 3 बने प्रधान वीर। अधिवक्ताओं ने किया नए न्यायाधीश की कोर्ट का बहिष्कार, आगे भी जारी रहने का निर्णय। फरुखाबाद में 260 स्कूली वाहनों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड, एआरटीओ कार्यालय में 467 स्कूली वाहन है रजिस्टर्ड, 207 वाहनों में फिटनेस कराए। प्रधानमंत्री की आपत्तिजनक होल्डिंग लगाने का मामला, तेलंगाना में रची गई साजिश, मुख्य आरोपी फरार, 5 गिरफ्तार। यूपी के पशुपालन विभाग में 50 करोड़ का घोटाला, 2 गुना रेट पर खरीदी गई दवाएं और उपकरण, मंत्री ने 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। सड़क पर लड़कियों की थप्पड़बाजी, गाजियाबाद में स्कूटी टकराने पर युवक को लात घूंसे मारे, बचाव में आए पुलिसकर्मियों से भी हाथापाई। अयोध्या में महिलाओं ने बिजली व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया, बोली बिजली के खंभे से लटक रहा तार, उतर रहा करंट, जो ही मांग रहा घूस। सुल्तानपुर में युवक को मारा चाकू, हालत गंभीर, आरोपियों ने सड़क पर खड़ी की थी बाइक, हटाने के बाद हुआ विवाद।
झांसी में 12वीं की छात्र पर ब्लेड से हमला, गले चेहरे पर 31 टाके लगे। दोस्ती का दावा और दबाव बना रहा था आरोप। चंदौली के सीएमओ और सीएमएस को नोटिस, गलत जानकारी देकर चिकित्सकों का तबादला किया, स्पष्टीकरण नहीं दिया तो कार्रवाई तय। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ने ज्ञानवापी मामले को किया हाईजैक। विसेन बोले, विष्णु शंकर जैन स्टेट के काउंसिल तो उसी के खिलाफ केस। मुरादाबाद में पासिंग आउट परेड में गिरा पेड़, 24वीं वाहिनी पीएसी के ग्राउंड पर चल रही थी परेड, रिक्रूट की भाग भयर। रिक्रूट पीएसी आरक्षियों की ट्रेनिंग हुई पूरी, पुलिस लाइन में दीक्षांत समारोह में हुई परेड, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किए गए। मानिकपुर में पिता ने बेटी को उतारा मौत के घाट, लाठी डंडों से पीट कर घटना को दिया अंजाम, बेटी प्रेमी से कर रही थी फोन पर बात। बलिया में 190 जवानों की ट्रेनिंग पूरी पुलिस लाइन में, एसपी ने ली सलामी, चैंपियन को किया सम्मानित। शाहजहांपुर में पैरोल पर छूटे 16 बंदी लापता, कोरोना की पहली लहर में पैरोल पर छोड़े गए थे 39 बंदी, 23 ने जेल में कर ली थी वापसी। कावड़ यात्रा को लेकर सोनभद्र पुलिस का मेगा प्लान, 4 जोन और 8 सेक्टर बनाकर कावड़ यात्रा मार्ग पर रहेगी नजर। ससुराल पहुंचे दामाद, ने खुद को मारी गोली, 4 सालों से पति पत्नी के बीच चल रहा था विवाद, दोनों बहनों की एक ही घर में हुई शादी। होमवर्क न होने पर 5 साल की बच्ची को सजा, यूपी में टीचर ने 30 सेकेंड में 10 थप्पड़ मारे, बाल भी खींचे। कन्नौज में जनरल स्टोर की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, 1.5 घंटे तक बाधित रहा यातायात। रायबरेली में दबंगों ने रुद्राभिषेक रोका, बनारस से रुद्राभिषेक करने आए थे संत, बीजेपी के पूर्व विधायक के सामने गाली गलौज। वाराणसी में बंद आरा मशीन के गोदाम में आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने 7 घंटे में पाया काबू, लाखों का नुकसान। लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर लव बर्ड का हाई वोल्टेज ड्रामा, मुंबई भाग गया था बाराबंकी का प्रेमी युगल, लव जिहाद का आरोप। अलग अलग 2 मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, 25,000 का इनामी भी शामिल, बदमाशों से नकदी और बाइक बरामद। पैदल जा रहे युवक को बाइक सवार ने मारी टक्कर, कन्नौज सड़क हादसे में दोनों गंभीर रूप से हुए घायल, मेडिकल कॉलेज रेफर। हमीरपुर में आमने सामने से टकराई डंपर, दोनों ड्राइवर समेत हेल्पर की हालत गंभीर, NA-34 पर हुआ हादसा। अलीगढ़ में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्र छात्राओं में फूटा गुस्सा, छात्र छात्राओं ने RMU के VC कार्यालय पर फूका VC का पुतला। बदायूं में मोटरसाइकिल फिसलने से महिला की मौत, कदार चौक कदारगंज की रोड पर बने 2 ब्रेकरों से फिसलने पर हुआ हादसा। बिजनौर में मोबाइल चोरी के शक में युवक को दी तालिबानी सजा, युवक के तलवों में मारे 1 मिनट में 22 डंडे, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला नाबालिग का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर प्रारंभिक जांच की। अंतर्राष्ट्रीय चेस दिवस आज, पापा के साथ खेलते खेलते 11 साल की उम्र में शुभी ने दुनिया भर में कमाल किया। गोंडा में लव जिहाद, दारोगा पर 3 साल तक धर्म छिपाकर दुष्कर्म करने का आरोप, युवती ने लगाई न्याय की गुहार। हरदोई में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने का लगाया आरोप। लखीमपुर खीरी में ज्वेलर्स खुद को मारी गोली, सर में गोली लगने से मौके पर हुई मौत। संभल में डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद में पिछले 3 दिनों से करंट लगने से 2 लोगों की मौत, लोगों ने बताई विभाग की लापरवाही। अलीगढ़ में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, घटना में दोनों ही पक्ष से महिला समेत 5 लोग घायल। अमेठी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, SOG टीम और जामो पुलिस ने 3 छात्र लुटेरों को किया गिरफ्तार। फतेहपुर में गर्भवती महिला की गोली मारकर हत्या, हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस।
गोंडा फूड प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने मोंटिंग मोमेंट रेस्टोरेंट पर मारा छापा। छापेमारी के दौरान कई नमूने और सैंपल लिए। ग्रेटर नोएडा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, कैंटर ने मारी ट्रक में टक्कर, घायल कैंटर चालक को नजदीकी अस्पताल में कराया भर्ती। कन्नौज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, अचानक आने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप। प्रतापगढ़ के लालगंज पुलिस को मिली कामयाबी, एटीएम से फ्रॉड कर पैसा निकालने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में किशोरी ने की आत्महत्या, परिजनों ने चार लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी। उन्नाव में देर रात परिवार पर हुआ जानलेवा हमला, हमले में तीन से अधिक लोग जख्मी, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। गोंडा के सदर तहसीलदार को हटाने की मांग को लेकर वकीलों का हड़ताल, वकीलों ने तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इटावा में सपा नेता की हत्या, सड़क से गिट्टी हटाने को लेकर हुआ विवाद, लाठी डंडों से पीटा। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने थार गाड़ी में की तोड़फोड़, थार में टक्कर मारने के बाद थार सवार के साथ भी मारपीट की वीडियो सामने आया। अमरोहा के धनौरा में करंट लगने से दो की मौत, ई रिक्शा चार्ज करते समय लगा करंट, पिता और पुत्र की मौत, पत्नी और एक बेटा घायल। ललितपुर में मां ने तीन बच्चों को कुएं में फेंका, मौत, पति से झगड़ा होने के बाद खुद भी कूदी, ग्रामीणों ने बचा लिया। अंबेडकर नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, युवक की हत्या की आशंका, मृतक युवक के शरीर पर मिले चोट के निशान। सड़क हादसे में डीसीएम मालिक की मौत, किराना का सामान लेकर जा रहा था बिहार, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई थी गाड़ी। जालौन में गौशाला में लटकता मिला युवक का शव, परिजन बोले दबंगों ने पहले पीट पीट कर मारा फिर गला दबा दिया। नौकरी की चाहत में उठाई 101 किलो की कावड़, हरिद्वार से गंगाजल लेकर निकले केली के भक्त, रास्ते में कंकड़ तक। पिछहत्तर जिलों के 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो